नमस्कार प्यारे सदस्यों, आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट के ताल्लुक से मैं रवि तिवारी। आज मूल विधि आप लोग पढ़ना चाहते हैं और मैं मूल विधि में वरिष्ठ अधिवक्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट से अभी आपकी मुलाकात कराऊंगा, जो आज से आपको मूल विधि का जो है मूल विधि का सिलेबस आगे बढ़ाएंगे आपका आज से। और टारगेट ताल्लुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट आलोक सर के निर्देशन में पूरी तरह प्रतिबद्ध है सर्वश्रेष्ठ फैकल्टीज के लिए। आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हुआ करिए। अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपके साथ ऐसे खड़ा हूं तो आलोक सर का ये कहना है कि जो सर्वश्रेष्ठ हो वही आपको प्रोवाइड किया जाए और हम लोग इसी पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर कभी कोई ऐसी बात हो जाती है तो आप लोग तुरंत हताशा में मत आया करिए। प्रत्येक व्यक्ति जो आता है उसका सम्मान है। आज आपकी मूल विधि की समस्या का पूरी तरह से समाधान हो जाएगा और आज से आपको मूल विधि के किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बात, दूसरी बात, थोड़ा सा मैं सेगमेंट पर आपसे चर्चा कर दूं, फिर दो मिनट में मैं सर को आपसे रूबरू कराता हूं। यदि हम इस सेगमेंट को देखें तो आप गौर से देखिए, इस सेगमेंट का नाम जो आपके पेपर में दिया गया है वो दिया गया है सामान्य ज्ञान, संविधान एवं मूल विधि। मूल विधि अगर हम विगत चार वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखें तो यहां पर सामान्य ज्ञान से आपके 25 प्रश्न हैं। सामान्य ज्ञान का मतलब हो गया आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, विज्ञान हो गया, अर्थव्यवस्था हो गई, इससे और अर्थव्यवस्था के साथ यहां पर आपका करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल, तो लगभग 25 से 28 प्रश्न आपके इस भाग से मिलते हैं 40 में से। अब जो 12 प्रश्न बनते हैं उनमें से 6-7 प्रश्न आपके संविधान से मिलते हैं और 5-6 प्रश्न आपके मूल विधि से मिलते हैं। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि 160 नंबर के प्रश्न पत्र में 6 से 7 प्रश्नों का हिस्सा ही मूल विधि का है। तो उस व्यवस्था को कैसे आपको पढ़ना है, किस प्रक्रिया से पढ़ना है और कैसे आप 7 में से 7 प्रश्न हल कर सकते हैं, इसके लिए हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है वीएस सर जी आपके सामने मौजूद है। तो आइए, मैं सर का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आइए सर, वीएस सर जी है आपके सामने और आज से जो है मूल विधि के बारे में सर आपको बताएंगे। और मेरा पूरा विश्वास है, सर का इतना लंबा अनुभव है कि अनुभव जिरह करने में भी है, कोर्ट में जज साहब को समझाने में भी है और आप लोगों को भी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब मैं सर को माइक सौंपता हूं और सर अब जिम्मेदारी लेंगे मूल विधि की यहाँ पर। नमस्कार प्यारे साथियों, आज से आपकी मूल विधि की कक्षाएं जो है वो प्रारंभ की जा रही हैं। तो मूल विधि में जितना भी टॉपिक, जो भी चीज़ें आपकी हैं, वो टॉपिक बाय टॉपिक हम उसको कवर करेंगे। जितना भी सिलेबस आपका ब्रॉड हो या छोटा हो, नैरो हो, उन चीज़ों पर आप सिलेबस पर बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है कि सिलेबस हमारा बड़ा है कैसे हम करेंगे। जैसा कि अभी रवि सर आपको बता के गए हैं कि 6 से 7 प्रश्न मूल विधि के आते हैं, हमें इग्नोर नहीं करना है, ना हमें हवा बनाना है कि कैसे हम करेंगे कैसे करेंगे। वेरी इजी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, टॉपिक वाइज टॉपिक चलते चलिए। और ये हमारा आपसे वादा है कि आपके मूल विधि के एक भी प्रश्न परीक्षा में आपकी क्लास के बाहर के नहीं होंगे और कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जिसे आप आसानी से हल ना कर पाए। बस चीजों को जो ध्यान रखना है आपको, वो ध्यान ये रखना है कि जिस तरीके से मैं उन चीजों को एनालिसिस करता जाऊं, एनालाइज करता जाऊं, पढ़ाता जाऊं, आपको चीजों को पढ़ते जाना है, समझते जाना है और याद करते चलना है दोस्तों, है ना। क्योंकि पढ़ लेने से चलिए ट्रिकी चीजें समझ में आ जाती हैं, पर कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हमें मेमोराइज करना पड़ेगा, हमें याद करना पड़ेगा। जैसे धाराओं, क्योंकि कानून क्या है, धाराओं का संग्रह है, चाहे वो इंडियन पिनल कोड हो यानी भारतीय दंड संहिता, चाहे CRPC हो दंड प्रक्रिया संहिता, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, मोटर व्हीकल एक्ट या कोई भी कानून हो, उनमें धाराओं का ही संकलन किया जाता है। तो उन धाराओं को हमें मेमोराइज करना पड़ेगा, हमें याद करना पड़ेगा। धारा 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, धाराएं बहुत है, उसके लिए भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि हम धारा सर इतनी धाराएं हैं कैसे याद करेंगे। सारी चीजें याद हो जाती हैं, सारी चीजें इंसान ही करता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। टारगेट भी ताल्लुक आपके साथ है, प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, हम आपके लिए, आपके सिलेक्शन के लिए हम सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करेंगे आपको। और यदि आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं तो आपके सिलेक्शन की जिम्मेवारी हमारी है, ठीक है।
तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले हम आपको बताते हैं मूल विधि। मूल विधि मीन्स विधि क्या है। यदि आप पढ़ते हैं, कोई व्यक्ति आपसे पूछ लिया कि चलिए बताइए सर व्हाट इज लॉ, विधि किसे कहते हैं, कानून किसे कहते हैं, देन आप कैसे डिफाइन करेंगे कानून को, कानून क्या होता है। विधि शास्त्र में अनेक विधि शास्त्रियों ने कानून को परिभाषित करने का प्रयास किया है अपने अपने तरीके से। कैसे किया है परिभाषित करने का प्रयास, मैं आपको बताता हूं। एक ऑस्टिन महोदय है, ये विधि शास्त्री रहे हैं, ऑस्टिन महोदय, इनका कहना है कानून क्या है, व्हाट इज लॉ। उन्होंने कहा है कि विधि संप्रभु, विधि संप्रभु का समादेश है। क्या है? विधि संप्रभु का समादेश है। संप्रभु क्या होता है? संप्रभु मीन्स एक ऐसी संस्था जो अपने आप में इस बात के लिए एम्पावर है कि वो कोई कानून बना सकती है। ठीक है, तो संप्रभु वो होता है जिसके ऊपर किसी भी व्यक्ति का, किसी भी संस्था का, किसी भी देश का या किसी भी व्यक्ति का कोई कंट्रोल नहीं होता। मीन्स वो अपने आप में एकाधिकार रखता हो किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, तो संप्रभु उसे कहते हैं। जैसे गवर्नमेंट, वो क्या होती है? संप्रभु होती है। ठीक है, अब यहां पर एक शब्द आपको मिल रहा है समादेश। आपके मन में ये प्रश्न जाहिर बात है उत्पन्न होगा कि सर समादेश किसे कहते हैं, समादेश होता क्या है। समादेश का अर्थ होता है कि दंड का प्रावधान, दंड का प्रावधान। रामचरितमानस में आचार्य तुलसीदास जी ने कहा है कि भय बिन हो इन प्रीति गोसाई, भय बिन हो इन प्रीति गोसाई। मीन्स दंड के बिना, डर के बिना जो है वो प्रेम नहीं उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहां पर वही चीज है। यदि कोई कानून बनाया है, संप्रभु ने किसी कानून का निर्माण किया, और यदि उस कानून के निर्माण के पीछे किसी भी प्रकार की दंड का प्रावधान ना करे, सजा का प्रावधान ना किया जाए, तो दोस्तों उस कानून का पालन नहीं किया जाएगा। कभी भी कोई व्यक्ति उस कानून का पालन नहीं किया जा करेगा। ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हैं, रेड सिग्नल पर आपको रुकना है, येलो पर रेडी होना है, ग्रीन पर चल देना है, लेकिन यदि इसके पीछे दंड का प्रावधान ना हो। हम हेलमेट क्यों पहन के चलते हैं? हेलमेट पहन के चलते हैं, कुछ लोग अवेयर होते हैं, पर उसके पीछे मैक्सिमम लोग क्या होते हैं? दंड के प्रावधान से, फाइन से बचने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो चीजें समादेश है, दंड का प्रावधान है, वो उस कानून के बाइंडिंग इफेक्ट का कारण होती है। ठीक है, उसके पीछे जो बाइंडिंग इफेक्ट होता है, फोर्स होता है कि उस कानून को हम इंप्लीमेंट कैसे करें, लागू कैसे करेंगे। तो समादेश का अर्थ होता है कि उस कानून के पीछे दंड का प्रावधान किया जाए, और यदि दंड का प्रावधान किसी कानून के पीछे नहीं होगा तो वो कानून जो है वो पालन नहीं किया जाएगा, वो कानून की का पूरी तरीके से इंप्लीमेंटेशन दोस्तों नहीं हो पाएगा, इसीलिए उसके पीछे दंड का प्रावधान किया जाता है। ठीक है, तो आप यहां पर समझ चुके होंगे विधि क्या है। संप्रभु का समादेश होता है, एक ऐसा आदेश होता है जिसके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर यह चीज आपको क्लियर हो गई, विधि क्या होती है, विधि संप्रभु का समादेश होती है। ठीक है, तो एक जनरल इंट्रोडक्शन हमारे लिए जानना जरूरी होता है किसी चीज को, जब हम पढ़ते हैं कि विधि क्या होती है, किसी ने हमसे पूछ लिया तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज लॉ। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं सिलेबस की तरफ। मूल विधि का जो सिलेबस है उसमें सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा है वो है भारतीय दंड संहिता, सॉरी अठारह। एक प्रश्न कई बार अक्सर जो है बच्चे पूछते हैं कि सर ये हर कानून के बाद में ईयर क्यों लिखा जाता है,
क्या इसकी रिलेवेंसी क्या है, क्यों लिखा जाता, उपयोगिता क्या है, रीजन क्या है, क्यों ये लिखा जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो ईयर लिखा जाता है किसी भी कानून के आगे, वो उस कानून को या तो बनाने का वर्ष रहता है, मीन्स उस साल वो कानून बनकर तैयार होता है, या उस वर्ष में वह कानून जो है वो पूरे देश में लागू होता है। ठीक है, जैसे भारतीय दंड संहिता 1860 में बनकर तैयार हुई थी, ठीक है, भारतीय दंड संहिता 1860 में बनकर तैयार हुई थी, इसका इन्फोर्समेंट कहां कहां पर है, तो अभी एक जनरल ब्रीफ हम आपको कर देते हैं, बाकी डिटेल में जब सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि इसके लागू होने की तिथि क्या है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू है, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर कहां पर लागू है, संपूर्ण भारत में। एक प्रश्न उठता है कि किसी भी कानून को हम जम्मू कश्मीर में लागू क्यों नहीं करते हैं भाई, क्या रीजन है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जिसे अभी हाल ही में हटा दिया गया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा, वो एक अलग मैटर होता है, फिर हम आपको बताते हैं। दूसरा सब्जेक्ट जो आता है वो है हमारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973। दंड प्रक्रिया संहिता हमारी जो है वो 1973 में बनके तैयार हुई। ठीक है, को कई बार बच्चों का ये प्रश्न होता है कि सर इन दो कानूनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता में दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं कि दोनों कानूनों में अंतर क्या है। ठीक है, चलिए पहले हम आपको बताते हैं कि भारतीय दंड संहिता क्या है। भारतीय दंड संहिता ये कैसी है, ये हमारी सब्सटेंटिव लॉ है। सब्सटेंटिव लॉ को हिंदी में कहते हैं मौलिक कानून या मौलिक विधि। कोई कार्य आपके द्वारा किया जाता है, तो वो कार्य कौन से अपराध का गठन करेगा। ठीक है, वो कार्य कौन से अपराध का गठन करेगा और उस अपराध के लिए दंड की मात्रा कितनी निर्धारित की गई है, समझिएगा। इसमें सब्सटेंटिव लॉ में मींस आपके द्वारा किया गया कार्य कौन से अपराध का गठन कर रहा है और उस अपराध के लिए दंड की मात्रा कितनी है। ठीक है, हम आपको एक एग्जांपल देके अभी समझाते हैं। यानी ये भारतीय दंड संहिता 1860 में बताया गया है किसी अपराध, कौन सा कार्य कौन सा अपराध बनेगा और उस अपराध के लिए दंड की मात्रा कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं चोरी के अपराध का। चोरी को आईपीसी की धारा 378 में परिभाषित किया गया है। कहां पर दोस्तों किया गया है, धारा 378 में। तो धारा 378 में चोरी की परिभाषा यह कही गई है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की चल संपत्ति को उस व्यक्ति के कब्जे से जैसे ही हटा देता है, चोरी का अपराध पूर्ण हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहां महत्वपूर्ण क्या है, संपत्ति, कौन सी, चल संपत्ति, क्योंकि चोरी जो है वो हमेशा किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी की यानी चल संपत्ति की ही हो सकती है, अचल संपत्ति की प्रॉपर्टी, सॉरी चोरी नहीं हो सकती है। अचल प्रॉपर्टी जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसकी चोरी नहीं की जा सकती है। जैसे हम आपको बता दें कोई मकान है तो क्या मकान को चोरी किया जा सकता है, नेवर, कभी नहीं। कोई पेड़ है, खड़ा है, क्या पेड़ को चोरी किया जा सकता है, उसकी चोरी हो सकती है, नो, नेवर। लेकिन यदि पेड़ को काट कर गिरा दिया गया तो इट कैन बी, ये चोरी की विषय वस्तु हो गई, क्यों, क्योंकि चल संपत्ति हो जाती है। ठीक है, तो चोरी, आपने किसी व्यक्ति की चल संपत्ति को उसके कब्जे से बिना उसकी इजाजत के जैसे ही हटाया, आपने चोरी का अपराध पूर्ण कर दिया। तो चोरी के अपराध के लिए दंड की मात्रा कितनी दी गई है, दंड कितना है, तो मैक्सिमम 3 वर्ष का कारावास या 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना। ठीक,
3 वर्ष का कारावास या जुर्माना, ये मैक्सिमम पेनाल्टी आईपीसी में बताई गई है। मैक्सिमम दंड जो है वो इंडियन पिनल कोड की धारा 379 में बताई गई है। चोरी की परिभाषा धारा 378 में, और चोरी के लिए दंड कहां बताया गया, धारा 379 में। ठीक है, मैक्सिमम पनिशमेंट कितना है, 3 वर्ष या जुर्माना। ठीक है, यहां पर एक चीज हम आपको बता देते हैं कि जहां पर या शब्द लिखा होता है, ठीक है, जहां पर या शब्द लिखा होता है उसका अर्थ यह होता है कि या तो ये या तो ये। यहां पर कोर्ट के ऊपर यह निर्णय पावर होता है, उसकी वैवेकी शक्ति होती है कोर्ट की, कि कोर्ट चाहे तो सजा दे दे या चाहे तो जुर्माना लगा के छोड़ दे। क्यों? अब प्रश्न होता है कि सर ऐसा क्यों किया गया है, यानी कोर्ट के ऊपर क्यों छोड़ा गया है। अब आप मान के चलिए, जैसे हम आपको एक उदाहरण देते हैं, ठीक, कोई एक व्यक्ति है जो कई दिनों से भूखा है और वो व्यक्ति किसी दुकान में जाता है और महज खाने की वस्तु को चुरा लेता है और खा लेता है। ठीक, और एक व्यक्ति है जो आपके घर में सेंध लगा के घुसता है और आपका सारा रखा हुआ माल जो है वो चोरी कर ले जाता है, तो क्या न्याय की कसौटी पर आप दोनों को एक ही तराजू में तौलेंगे, बताइए? नहीं, कभी नहीं तौलेंगे। क्यों नहीं तौलेंगे? क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति ने हालात के चलते चोरी की है। ठीक है, हालात के चलते, क्योंकि यदि वो भूखा ना होता तो शायद चोरी ना करता। पर दूसरा क्या है, उसका धंधा है, उसका पेशा है चोरी करना, जो कि एक अपराध का गठन करता है। ठीक है, तो यहां पर जो हमने आपको बताया था कि 3 वर्ष या जुर्माना, तो यहां पर जो पहला वाला हमने आपको एग्जाम्पल दिया कि कोई व्यक्ति भूखा होने के कारण चोरी किया, तो यहां पर कोर्ट क्या करेगी, उस व्यक्ति को महज जुर्माना लगा के छोड़ देगी। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति हालात और परिस्थितियों के चलते उसने अपराध को किया है। यदि वो व्यक्ति भूखा ना होता, उसके पास प्रॉपर व्यवसाय होता, रोजगार होता है, काम के साधन होते, तो वो भी शायद ये अपराध ना करता। तो आपको इंडियन पिनल कोड समझ में आ गया कि सब्सटेंटिव लॉ है, मौलिक विधि है, जिसमें किसी अपराध, किसी कार्य को कौन सा अपराध बताया गया है और उस अपराध के लिए दंड की मात्रा का निर्धारण किया गया है, कहां पर, भारतीय दंड संहिता में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा हमने आपको बताया था दंड प्रक्रिया संहिता। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता कैसी विधि है, तो दंड प्रक्रिया संहिता एक प्रक्रियात्मक विधि है, प्रक्रियात्मक मक विधि, यानी इट इज अ प्रोसीजरल लॉ। ठीक है, प्रोसीजरल लॉ, ये एक प्रक्रिया का निर्माण करती है, यानी जब भी कोई अपराध घटित होता है, दोस्तों ये चीज हमें ध्यान रखना है कि जब भी कोई अपराध घटित होता है तो वहां पर दो व्यक्ति होते हैं। पहला होता है कौन, क्या, वो पहला व्यक्ति होता है अपराधी। अपराधी क्या करता है, अपराध को कमिट करता है, वो व्यक्ति अपराध करता है, और दूसरा व्यक्ति जो होता है वो होता है दोस्तों पीड़ित। यहां पर दो व्यक्ति होते हैं, एक तो होता है आपका दोस्तों अपराधी और दूसरा होता है पीड़ित। अपराधी वह व्यक्ति होता है जो अपराध को करता है, और पीड़ित वह व्यक्ति होता है जिसके साथ अपराध किया जाता है। जैसे आपने मुझे मार दिया, ठीक है, तो जब आपने मुझे मारा तो मेरे साथ अपराध घटित हुआ, तो मैं कौन हो जाऊंगा, मैं पीड़ित हो जाऊंगा और आप अपराधी। ठीक है, तो यहां पर पीड़ित, ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, अब जब चोरी मान लीजिए पीड़ित के साथ हुई, तो व्यक्ति पीड़ित हुआ, तो पीड़ित जाएगा कहां, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का की जिम्मेदारी किसके ऊपर दे रखी है सरकार ने कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा जाए, वो काम दे रखा उन्होंने पुलिस को। ठीक, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम सरकार ने किसको दे रखा है, गवर्नमेंट ने, पुलिस को। तो पीड़ित व्यक्ति कहां पर भाग के जाएगा, पुलिस के पास। तो पुलिस क्या करेगी, सबसे पहले यह देखेगी कि वो अपराध जो किया गया है, ठीक है,
वो अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय है, ठीक है, संज्ञेय या असंज्ञेय। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि सर ये संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध कहते किसे हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध क्या होता है। तो संज्ञेय अपराध जो होता है बेटा वो कई जगहों पर आपको मिलेगा पढ़ने को कि गंभीर प्रकृति के अपराध, गंभीर प्रकृति के अपराध संज्ञेय अपराध होते, बट इट इज नॉट करेक्ट। हर अपराध जो गंभीर प्रकृति का ही अपराध होता है वो संज्ञेय अपराध नहीं होता है, ठीक है। कई ऐसे अपराध हैं जो गंभीर प्रकृति के नहीं होते फिर भी संज्ञेय अपराध माने जाते हैं, ठीक है। वो हम आपको जब इंडियन पेनल कोड इन भारतीय दंड संहिता को डिटेल में पढ़ाएंगे उस समय हम आपको अपराधों की एक लिस्ट यहां पर डिस्प्ले पर शो कर देंगे कि कौन कौन से अपराध संज्ञेय होते हैं और कौन से असंज्ञेय अपराध होते हैं। एक चार्ट रहेगा आपको प्रोवाइड कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको, उसके लिए अलग से आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। हम आपको बताते हैं कि संज्ञेय अपराध किसे कहते हैं, ठीक। संज्ञेय अपराध ऐसा अपराध होता है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, जिसमें पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। यह होती बेटा संज्ञेय अपराध की परिभाषा। संज्ञेय अपराध क्या होता है? संज्ञेय अपराध ऐसा अपराध होता है जिसमें पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के, वारंट क्या होता है प्रश्न यहां पर मतलब कि वारंट किसे कहते हैं। वारंट न्यायालय का एक ऐसा आदेश होता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने कोई संज्ञेय अपराध कर दिया है, ठीक है, तो संज्ञेय अपराध में ही पुलिस अधिकारी बिना वारंट के उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर देगी, ठीक है। आपको समझ में आ गया संज्ञेय अपराध क्या होता है? चलिए अगर नहीं समझ में आता है तो नेक्स्ट क्लासेस जो भी अपनी चलेंगी मूल विधि की, तो जो पहले पढ़ाया जाएगा उसको एक बार हम रिवाइज करा देंगे, उसके बाद आगे की क्लासेस चले करेंगी, ठीक है। चलिए संज्ञेय अपराध हमें क्लियर हो गया कि संज्ञेय अपराध किसे कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं कि असंज्ञेय अपराध किसे कहते हैं, ठीक। तो संज्ञेय अपराध में आपने देखा कि पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के वारंट की गिरफ्तार कर सकता है, यह संज्ञेय अपराध होता है। असंज्ञेय अपराध ये होता है कि जिसमें पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के गिरफ्तार ना कर सके, बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के गिरफ्तार ना कर सके। यदि कोई अपराध किया गया है तो ऐसे बहुत सारे अपराध होते हैं जिनमें जब तक वारंट नहीं इशू हो जाता है तब तक वह चीजें, जब तक वारंट नहीं इशू हो जाता है तब तक पुलिस अधिकारी अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर सकता है, ये हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो संज्ञेय और असंज्ञेय, चलिए एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि संज्ञेय अपराध क्या होता है और असंज्ञेय अपराध क्या कहलाता है। तो संज्ञेय अपराध ऐसा अपराध होता है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के किसी अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर सकता है, सॉरी कर सकता है। संज्ञेय अपराध क्या होता है? जिसमें पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के किसी अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकता है, यह संज्ञेय अपराध होता है। और असंज्ञेय अपराध कैसा अपराध होता है? जिसमें पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार ना कर सके, वो असंज्ञेय अपराध होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप इसको फिर से पूछ सकते हैं, वैसे अगली क्लास में हम इसको रिवाइज करा देंगे, ठीक है। तो यहां पर अपराध संज्ञेय और असंज्ञेय। चलिए यदि अपराध संज्ञेय है तो पुलिस अधिकारी क्या करेगा और असंज्ञेय है तो क्या करेगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि यहां पर हम आपको बता रहे थे कि पीड़ित कहां जाता है, पुलिस अधिकारी के पास जाएगा। तो पुलिस अधिकारी क्या करेगा, यदि अपराध संज्ञेय है तो उसके संबंध में FIR दर्ज करेगा। FIR क्या होती है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना प्रतिवेदन। प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज किया जाता है यदि अपराध संज्ञेय होता है तो।
किसी भी मामले में, किसी भी आपराधिक मामले में एफआईआर दर्ज करना ये पहला स्टेप माना जाता है, प्रथम चरण माना जाता है। ठीक है, अब यदि अपराध असंज्ञेय है तब पुलिस अधिकारी क्या करेगा, एनसीआर दर्ज करेगा। ठीक है, पुलिस अधिकारी क्या करता है, असंज्ञेय अपराध की दशा में एनसीआर दर्ज किया जाता है। ठीक है, एनसीआर दर्ज की करेगा तो क्या कहेगा, एनसीआर को क्या कहते हैं, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, असंज्ञेय अपराध प्रतिवेदन। ठीक, अपराध प्रतिवेदन। अब ये बताइए, मान के चलिए कि पहले तो वो अपराध असंज्ञेय प्रतीत हो रहा था, बाद में पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन किया, विवेचना किया, तो विवेचना के उपरांत यह पता चलता है कि वो अपराध तो वास्तव में असंज्ञेय नहीं बल्कि संज्ञेय अपराध था। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिए, हम आपको अभी जब इंडियन पिनल को डिटेल में जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे बेटा कि जैसे चोरी करते समय यदि आप बल का प्रयोग कर दें, ताकत या हिंसा का प्रयोग कर देते हैं, तो चोरी क्या हो जाती है, वो लूट बन जाती है, और लूट संज्ञेय अपराध होता है। ठीक है, जबकि चोरी असंज्ञेय अपराध होता है। ठीक, तो यदि चोरी की एफआईआर है, सॉरी एनसीआर है, और चोरी की इन्वेस्टिगेशन करते करते समय पता चलता है पुलिस को कि जिस समय चोरी की गई थी उस समय घर के जो सदस्य थे उन सदस्यों के साथ मारपीट की गई या किसी प्रकार की हिंसा की गई है, ठीक है, तो यहां पर वो क्या हो जाता है, पुलिस अधिकारी क्या करेगा, इस एनसीआर को एफआईआर में कन्वर्ट कर देगा। ध्यान दीजिएगा, इस एनसीआर को एफआईआर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो हम आपको बता रहे थे प्रक्रिया के बारे में, तो पुलिस के पास जब जाते हैं तो पुलिस क्या करती है, देखती है अपराध संज्ञेय या असंज्ञेय, संज्ञेय होती है तो एफआईआर दर्ज होती है, और एनसीआर या असंज्ञेय की दशा में एनसीआर दर्ज की जाती है। ठीक है, एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस अधिकारी क्या करेगा, पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन करता है, क्या करता है, विवेचना। ठीक, विवेचना करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है। इन्वेस्टिगेशन का पर्पज क्या होता है, क्यों इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, क्या पर्पज होता है इन्वेस्टिगेशन करने का, हम आपको बताते हैं इन्वेस्टिगेशन करने का पर्पज क्या होता है। इन्वेस्टिगेशन का पर्पज होता है साक्ष्य का कलेक्शन, साक्ष्य एकत्र करना। ठीक है, कई बार पूछा गया है, एक बार प्रश्न ये पूछा गया है यूपी एसआई में, ईयर मुझे याद नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूंगा ईयर कब पूछा गया था, कि इन्वेस्टिगेशन यानी विवेचना का पर्पज क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, तो विवेचना का उद्देश्य होता है अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य को एकत्रित करना, ताकि ऐसे व्यक्ति को सजा दिलाई जा सके। ठीक है, साक्ष्य को एकत्रित करना, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, विवेचना कंप्लीट, विवेचना करते हैं, विवेचना के बाद क्या होती है, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी, सॉरी विवेचना के उपरांत हम आपको बताते क्या होती है, विवेचना के उपरांत यदि साक्ष्य पर्याप्त है, जैसा हमने आपको बताया कि उद्देश्य क्या है इसका, साक्ष्य एकत्रित करना, यदि साक्ष्य पर्याप्त है अभियुक्त के विरुद्ध, यदि पर्याप्त साक्ष्य मिलता है तो मामले को आगे बढ़ाया जाता है, और यदि अपर्याप्त साक्ष्य है, मींस साक्ष्य जो है वो पर्याप्त नहीं मिल पाया है, तो अपर्याप्त साक्ष्य की स्थिति में, अपर्याप्त साक्ष्य की स्थिति में पुलिस अधिकारी क्या करेगा, एफआर लगाता है, फाइनल रिपोर्ट। ठीक है, फाइनल रिपोर्ट क्या होती है, फाइनल रिपोर्ट में मजिस्ट्रेट से अनुरोध किया जाता है कि जिस मामले के संबंध में एफआईआर दर्ज की गई है उस मामले में हमें किसी भी प्रकार का जो है वो कोई साक्ष्य अभियुक्त के विरुद्ध नहीं मिला है, अतः ये जो एफआईआर की गई है इस एफआईआर को रद्द कर दी जाए या इस मामले को खत्म कर दिया जाए। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि जो एफआर पुलिस अधिकारी द्वारा सबमिट की जाती है मजिस्ट्रेट के कोर्ट में, क्या उस एफआर को मानने के लिए न्यायालय बाध्य है। पुलिस अधिकारी ने क्या किया, एफआर दर्ज किया कि साहब साक्ष्य ही नहीं है, तो हम आपके यहां पर यह बता दें कि उस एफआर को, उस फाइनल रिपोर्ट को, अंतिम प्रतिवेदन को मानने के लिए न्यायालय बाध्य नहीं है। क्यों, क्योंकि
ये डिस्क्रिशन होता है कोर्ट का, कोर्ट चाहे तो माने चाहे तो ना माने, और यदि मान लेती है तो मामला वहीं पर खत्म कर दिया जाता है, और यदि नहीं मानती है तो न्यायालय का काम यह होता है कि न्यायालय कुछ पॉइंट्स, विवेचना के पॉइंट्स बताने के, बनाने के उपरांत वो क्या करते हैं, पुलिस अधिकारी को दिए जाते हैं कि आप इन इन मामलों पर और इन्वेस्टिगेशन करिए, और इन्वेस्टिगेशन करके कुछ समय दिया जाता है, उस समय अवधि में फाइनल चार्जशीट फाइल करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए अब यदि साक्ष्य हम आपको बताते हैं पर्याप्त है तब क्या करेगी पुलिस अधिकारी, साक्ष्य यदि पर्याप्त है तो चार्जशीट फाइल की जाती है, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं चालान प्रस्तुत करना। ठीक है, यदि साक्ष्य पर्याप्त है तो चालान प्रस्तुत किया जाता है, और चालान के साथ जो है वो जो अभियुक्त होता है, ठीक है, उस अभियुक्त को भी प्रस्तुत किया जाता है न्यायालय में। ठीक है, जब अभियुक्त को प्रस्तुत किया जाता है तो अभियुक्त के प्रस्तुत किए जाने के बाद न्यायालय क्या करेगा, अभियुक्त के ऊपर आरोप लगाएगा। ये सब हम आपको बता रहे हैं क्यों, क्योंकि ये प्रक्रियात्मक विधि, क्या प्रक्रिया होती है, कैसे किसी व्यक्ति को अभियोजित किया जाता है और दंडित किया जाता है। आरोप लगाए जाने के बाद उससे यह पूछा जाता है कि क्या वो आरोप को स्वीकार करता है या नहीं करता है। यदि आरोप को स्वीकार करता है, कहता है हाँ मैंने अपराध किया है, तो यहीं पर उसको क्या किया जाएगा, तुरंत सजा सुना दी जाएगी। ठीक है, और यदि वो कहता है कि नहीं मैंने अपराध नहीं किया है, तो यहां पर क्या होगा, विचारण प्रारंभ होगा। क्या करेंगे वो, न्यायालय क्या करेगा, विचारण प्रारंभ करेगा, किस बात का, कि हाँ आपने अपराध किया है या नहीं किया है। विचारण प्रारंभ करने के बाद, विचारण के बाद यहां पर विचारण में का दो परिणाम आता है, विचारण का परिणाम जो है वो दो तरीके से निकलेगा। क्या निकलेगा कि या तो अभियुक्त क्या होगा, दोषी पाया जाएगा, या तो अभियुक्त दोषी पाया जाएगा या फिर अभियुक्त निर्दोष होगा। ठीक है, या तो अभियुक्त दोषी पाया जाएगा या अभियुक्त निर्दोष होगा। ठीक है, यदि अभियुक्त दोषी पाया जाता है, ठीक है, यदि अभियुक्त दोषी पाया जाता है, ठीक, तो फिर उसको सजा सुनाई जाएगी। ठीक है, सजा सुनाने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। ठीक, या निर्दोष होता है तो वहीं पर उसको फिर रिलीज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है वो प्रक्रियात्मक विधि यानी दंड प्रक्रिया संहिता में लिखी गई है कि किस तरीके से पीड़ित पुलिस के पास जाएगा, पुलिस कैसे काम करेगी, पुलिस चालान कैसे प्रेस करती है, और चालान के बाद मजिस्ट्रेट कैसे वार ट्रायल करेगा, इन सारी जो है प्रक्रिया का वर्णन वो कहीं ना कहीं हमें दंड प्रक्रिया संहिता में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक ये आपको डिफरेंस जो दिया गया है वो आप क्लैरिफाई हो गया होगा कि आईपीसी और सीआरपीसी, ठीक है, आईपीसी और सीआरपीसी में आपका डिफरेंस क्या है। ठीक है, बहुत बच्चे ये प्रश्न पूछते हैं, कई बार पूछा गया है हमसे ये प्रश्न, तो हमने सोचा कि आज इस चीज को पहले क्लेरिफाई कर दें कि आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो दोनों के डिफरेंस को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और हम उसको उस चीज को डिफरेंस को जो है वो समझ चुके हैं यहाँ पर। यदि फिर भी कोई ऐसा दोस्त होता है, हमारा सदस्य होता है, जिसको समझ में ना आया है, वो फिर से हमसे पूछ सकता है, अगली क्लास में जब रहेंगे हम तो एक बार फिर से क्लैरिफाई कर देंगे, उसके बाद फिर आगे क्लासेस चलाएंगे। ठीक है, चलिए अब सिलेबस हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या है। एक तो हमने आपको बता दिया ये कि आईपीसी सीआरपीसी, उसके बाद हम नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत, जनहित याचिका, फिर उसके बाद रहेगा आपका आत्मरक्षा का अधिकार, आत्मरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम,
घरेलू हिंसा से, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, इसको आप नोट कर लीजिए, ये हमारा सिलेबस है यूपीएसआई का, जिन टॉपिक्स को हमें कवर करना है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं हम अनुसूचित जाति, जिसे आप कहते हैं एससी एसटी एक्ट, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 2000 इसके बाद जो यातायात नियम में हमें क्या पढ़ने हैं, जो तमाम प्रकार के सिग्नल रहते हैं, जैसे हम रोड पर चलते हैं तो उस समय आपको देखते हैं रोड के बीच में डबल पट्टी रहती है, सफ़ेद रंग की सिग्नल रहती है, पीली रहती है, ठीक है। तो ये सिग्नल के अर्थ क्या होते हैं, ये कई बार प्रश्न परीक्षा में जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। यातायात नियम, और इसके बाद जो है हम आपको भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, ठीक है। ये सारे टॉपिक जो है वो हमारे यूपीएसआई मूल विधि के टॉपिक हैं, सिलेबस के अंदर दिए गए हैं, ठीक है। ये सारे सिलेबस हमको कवर अप करना है, ठीक है। तो हमने आपको जैसा पहले भी बता दिया दोस्तों कि किस तरीके से हम पढ़ेंगे, हमारे पढ़ने का तरीका क्या होगा, एक एक चीज़ों को हम आपको बिल्कुल डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट केस लॉज रहते हैं, बहुत सारे केस लॉ भी रहते हैं, कभी कभी पूछे जा सकते हैं वो केस लॉ, उन सारे केस लॉ की एक लिस्ट हम आपको दे देंगे, तो उसके लिए अलग से आपको छांटना नहीं पड़ेगा, इधर उधर की पुस्तकों में परेशान नहीं होना है, वो सारे केस लॉ की एक लिस्ट हम आपको दे देंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट केस लॉ है और उस केस लॉ में क्या क्या लेट डाउन किए गए, चाहे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा हो, ठीक है, या किसी जो है वो उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए हों, उसके संबंध में जो है वो जारी किए जाएंगे, ठीक है। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, तमाम हमारा सिलेबस है, जो लंबा सिलेबस है इसको डे बाय डे हम एक एक करके पढ़ते चलेंगे। और जो भी चीज़ें हैं, जैसे हमने आपसे पहले भी कहा दोस्तों कि किसी भी चीज़ को हवा बनाने की ज़रूरत नहीं कि मूल विधि नया है, कैसे सीखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद रहेगा, तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी ईजी। एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, आपको किसी भी प्रकार की ना तो नोट्स जो है खरीदने की ज़रूरत है, यहाँ पर हम आपको एक एक पॉइंट्स लिखाते हुए चलेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको सारी टॉपिक का नोट्स जो है वो पीडीएफ में हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की सामग्री आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं, किसी भी प्रकार की सामग्री को आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, एक एक चीज़ आपको यहाँ पर हम लिखाते चलेंगे, बताते चलेंगे, पढ़ाते चलेंगे, समझाते चलेंगे, और उन सारे टॉपिक्स का पीडीएफ आपको हमारे जो है वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको लिंक पर अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।